खबर यूपी के जनपद अमरोहा से, जहां आज पहुंचे स्नातक एमएलसी के सपा प्रत्याशी शिव प्रताप सिंह यादव ने अमरोहा सपा जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर साधा बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना। उन्होंने कहा कि भाजपा की योगी सरकार में नौजवान, किसान, कर्मचारी परेशान हैं। बता दें कि अमरोहा नगर में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता करने के लिए पहुंचे समाजवादी पार्टी की ओर से स्नातक एमएलसी के मुरादाबाद बरेली क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए शिव प्रताप यादव ने आज अमरोहा में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की योगी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजम खान हमारे नेता हैं और पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। जो बसपा के तथाकथित नेता उनके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, वह खुद किसी के नहीं है। वह कई बार दल बदल चुके हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं शिव प्रताप सिंह यादव हूँ। मैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का पूर्व महामंत्री, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुका हूँ और आज समाजवादी पार्टी का गैजुएट एमएलसी का प्रत्याशी बन के आप लोगों के बीच में मैं पहुंचा हूं। पार्टी की सरकार जब से देश और प्रदेश में आई है, हर समाज का, हर तबका दुखी है। चाहे वो हमारा नौजवान हो, चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे वो हमारा व्यापारी हो, वकील हो, डॉक्टर हो, ऐसा कोई तबका नहीं है जो इस सरकार की नीतियों से प्रसन्न है। तो सबसे बड़ी जो सफलता हमारी यही है कि सरकार की जो नीतियाँ हैं उनके खिलाफ़ खासतौर से सरकारी कर्मचारी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब हम लोग विधानसभा के चुनाव में गए तो हम लोगों का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो था पुरानी पेंशन का, और कहीं ना कहीं उस मुद्दे को लेके मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ और लोगों का बहुत बड़ी संख्या में हमें जनसमर्थन मिल रहा है। और समाजवादी पार्टी की नीतियों से, अखिलेश जी के पुराने किए हुए कामों की वजह से हमें सभी लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। नौजवान परेशान है क्योंकि उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो इन मुद्दों को लेकर मैं जब लोगों के बीच में जा रहा हूं तो मुझे बहुत अच्छी संख्या में समर्थन मिल रहा है। हाँ, मैं आप लोगों के माध्यम से उन तमाम ग्रेजुएट्स लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपना वोट करें, क्योंकि जो सत्ताधारी विधायक होगा वो कभी भी आपकी बातों को सरकार के सामने नहीं रख सकता। इसलिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासतौर से इस चुनाव में, ग्रेजुएट्स के चुनाव में, जिससे एक संदेश जाएगा 2024 में कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो समाजवादी पार्टी की तरफ नज़रें लगाए बैठा है, और कहीं ना कहीं 2024 में एक बड़ा परिवर्तन इस चुनाव का माध्यम भी बनेगा। तो यह चुनाव समाजवादी पार्टी बहुत बड़े बहुमत से जीत रही है, क्योंकि 9 जिले का ये चुनाव है और 9 जिलों में समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठनों, जिला संगठनों, महानगर संगठन और हमारी व्यक्तिगत टीम ने बहुत बड़ी संख्या में ग्रेजुएट्स का वोट जमा किया है। और अभी 23 नवंबर से 9 दिसंबर तक वोट और जमा हो सकता है। जिन साथियों का वोट बनने से रह गया हो वो साथी दोबारा से फॉर्म 18 भर के संबंधित नोडल सेंटर पर जमा कर दें। फॉर्म में एक दो फोटो, आधार कार्ड, ग्रेजुएशन फाइनल की मार्कशीट लगेगी, और जो मार्कशीट होगी वो राजपत्र अधिकारी या किसी नोटरी वकील के द्वारा अटैच करवा के जमा की जा सकती है। अच्छा, आप सहारनपुर के नेता की बात कर रहे हैं शायद। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, बसपा सपा छोड़ी, जो अपने घर का ही ना रहा, उसके घर का ही ठिकाना नहीं, वो क्या सवाल उठाएगा समाजवादी पार्टी पे? समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता आजम साहब के साथ खड़ा हुआ है। आज बुरे दौर में आजम साहब हैं, उनके बुरे दौर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से लेकर समाजवादी पार्टी का निचला स्तर का जो कार्यकर्ता वो भी उनके, आजम साहब के साथ खड़ा है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बदले की कार्रवाई से राजनीति कर रही है और कहीं ना कहीं वो विपक्ष को दबाने का काम कर रही है, और विपक्ष को दबाने के लिए वो अपनी सरकारी संस्थाओं का प्रयोग कर रही है। आज अगर आजम साहब समाजवादी छोड़ के भाजपा में चले जाएं, या कोई ऐसा नेता जो विपक्ष में है वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाए, वो बिल्कुल पाक साफ हो जाएगा। उस पर ऊपर सारी कार्रवाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। जैसे जिस जो चुनाव में लड़ रहा हूँ ग्रेजुएट एमएलसी का, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि जो प्रेजेंट टाइम में एमएलसी हैं ग्रेजुएट्स के, उन्होंने अपनी निधि का प्रयोग कहाँ किया, वो अपनी निधि का ब्यौरा दें। गारंटीड वो दोषी निकलेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन पर कार्रवाई करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसलिए यह सरकार लगातार सरकारी संस्थाओं के माध्यम से विपक्ष के नेताओं पर दबाव बना रही है, और ये दबाव विफल जाएगा और 2024 में समाजवादी पार्टी बहुत बड़े मार्जिन के साथ, बहुत ज़्यादा संख्या सीटों के साथ लोकसभा चुनाव जीत के आएगी और मोदी सरकार का खात्मा लिखने का काम करेगी। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।